आपने आकर यहाँ पर ये साबित किया कि मीडिया भी इतना सीरियस है. It was my first time performing an event or a roundtable conference like this. This is so fantastic event. बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया. It's honored to be the part of HPGS. We are here from 16 years and power on to go. पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये first time ये event हुआ है. तो आज हमारे हैप्पी वैली से स्कूल जहाँ 3 दिन से इवेंट चल रहा था, तो आइए देखते हैं, लोगों से कमेंट लेते हैं कि कैसा लगा उनको. आज लास्ट डे तो हम आए उनसे इंटरव्यू लेते. चलिए अस्सलाम वालेकुम. तो उमर सर थे गए तो मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ. आज का इवेंट लेना कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम सर, तो आप मुझे बता सकते हैं आज का इवेंट आपको कैसा लगा? वाले साहब पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू. और इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर यूथ को हम टारगेट कर रहे हैं माशाल्लाह. और आज से 100 साल बाद जिस तरह हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं वो हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं. और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इवेंट्स इंशाल्लाह होते रहेंगे. देखें अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना वो आपको हर जगह मिलती हैं, लेकिन बात यह कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले हैं. यहाँ जो हम आज 100 बच्चों को केटर कर रहे थे ये 16 से 18 साल के बच्चे हैं. कल जब ये हमारी जगह पे होंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे. जैसे बात वाकई में ये है कि यहाँ हायर एजुकेशन वाले बच्चे भी ना वो भी वाकई में बाइकें चला रहे हैं, वो वाकई में और जॉब्स कर रहे हैं. पाकिस्तान को जिस तरह हमें 100 साल बाद देखना है ना, हम वो चाह रहे थे करना. अल्लाह हमारी अल्लाह पाक हमारी काविशों को पूरा करे. और आपने आकर यहाँ पर ये साबित किया कि मीडिया भी इतना सीरियस है, वरना जो मीडिया का रोल हमें नजर आता है नेगेटिव वो यहाँ नहीं. तो जजाक अल्लाह, आपको भी खुश रखे. And a lot of people that I cannot name, I can love them, but still I got to know many personalities, their stories, all of that. Day one was actually very educational, but day two, like, two out of order. Sir Umar Soni, who organized the event, is absolutely amazing. He is my personal advisor. I'm not from this group, but it was absolutely amazing. The planning, all the guests, all the personalities that came along, absolutely incredible. I myself won an award. And a lot of speeches I was not expecting people, because it was even myself, it was my first time performing an event or a roundtable conference like this. And Happy Palace has done amazing for it. All, even the delegations inside the rooms and everything, it was absolutely amazing. I would like to congratulate the team, everyone who was a part of this. Yeah, it was absolutely amazing. Thank you. सब चीज़ों के बारे में, हर सेक्टर के बारे में, बहुत डिफरेंट सेक्टर के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम लोगों को बहुत डेप्थ में हमने पढ़ा. और लाइक बहुत बहुत ब्रांडिंग बहुत अच्छे हुए. फॉर सर रफीक, मैम आतिका, फॉर द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? माय नेम इज हानिया खान. अच्छा, तो आज मुझे इवेंट के बारे में बताइए. आप दिस इज सो फैंटास्टिक इवेंट.
क्या बताऊँ, लाइक हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना हम लोग का अच्छा इवेंट्स हो गए। ये 2 डेज का इवेंट था लेकिन इसकी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही थी। सर उमर सोनी जो थे वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस इवेंट की वजह से। हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। हम लोगों को डेडिकेट्स कार्ड बनाने थे, हम लोगों को अपने कार्ड्स बनाने थे, हम लोगों को सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन करने थे, हम लोगों को अरेंजमेंट्स करनी थी। लाइक इट वॉज डिफिकल्ट बट वी डिड इट। एंड फॉर मैनेजमेंट टीम आई लव यू गाइज, जिस तरीके से आप लोगों ने लाइक पूरा मैनेज किया है, जिस तरीके से बाय द वे मैंने यहाँ पर फोटोग्राफी और मेरी सिस्टर ने यहाँ पर वीडियोग्राफी का काम किया, तो इट वॉज सो अमेजिंग। लाइक हमें हमारी तरफ से तो बहुत ही बेस्ट इवेंट है और डेडिकेट्स ने जितनी अच्छी तरीके से लाइक रिव्यूज़ दिए, आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच। हमने जो की, हमने जो मेहनत लगाई और उसका हमें फल मिल गया, सो इट वॉज सो फन। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज हमारे पे हैप्पी पैलेस के इवेंट पे हम एक इंटरव्यू लेना चाहेंगे, तो आप बता सकती हैं आप मुझे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। और ज़्यादा थैंक्स करूँगी सर उमर सोनी को जिन्होंने ये ज़्यादा मेहनत की इसमें और हमें बोला मोटिवेट किया कि आप इसमें लो, और बहुत मज़ा आया। सबने अपना बेस्ट दिया, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छा था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज एक और लड़की से हम इंटरव्यू लेते हैं हैप्पी पैलेस के इवेंट पे, लोगों को कैसा लगा? अस्सलामुअलैकुम, तो आप सिमरन नगर, तो आज के इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये इवेंट जो है फर्स्ट टाइम हैप्पी कॉन्फ्रेंसेस जो कि HPGS की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुई है। इतने साल हो गए हैं HPGS के बारे में लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ है जो कि लेड किया है सर उमर सोनी ने। Brilliant, everything was on point, perfectly, everything was perfect and we are so honored and blessed that we are the part of this event, of this perfect event. Thank you, Allah Hafiz. So guys, एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की है, इसका ठीक है चलिए तो इसका और लेते हैं छोटी सी जोड़ाई। Like my name is Aira Kamzabadul and I belong from Happy Palace Grammar School and the event roundtable conference, it is our first event. We managed this event, we participated in this event, I get honorable mention in this event. Like honestly I am super proud to be Sir Umar's student and the part of this conference. Like us or everything was just perfect. It's honor to be the part of HPGS. We are here from 16 years and more on to go. And inshallah, matlab Happy Palace is my pride. Is my pride always. Okay. Oh no. Guys, आज बहुत प्यारा सा लड़का है के तो उसकी एक दो लाइनें और पूछ लेते हैं थोड़ा। कैसा रहा इवेंट उसका? बहुत मज़ा आया था। मैं आज वैसे पहली बार मेरे को ऐसा इवेंट था जिसमें मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, इससे पहले मेरे इवेंट वगैरह में लगे तो ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और उमर सोनी जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया था क्योंकि उन्होंने 3 दिनों में सिर्फ एक में दो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए थे। आज लास्ट डे तो अच्छा इंटरव्यू होना चाहिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू, थैंक यू। आपका नाम? हरिजर बाब। तो आज के इवेंट के बारे में आप मुझे बताना चाहेंगे कैसा रहा लास्ट डे? आज का लास्ट डे वाज एक्चुअली रियली गुड क्योंकि हमारा फर्स्ट इवेंट था HPGS का 30 इयर्स में RTC किसी ने नहीं कराया। वी वर द फर्स्ट पीपल टू अरेंज RTC, सो एज फर्स्ट टाइमर्स इट वाज रियली गुड। जबरदस्त, थैंक यू। गाइस, एक मुफ्ता नाम की गर्ल्स थे तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी थी, तो मैं चाहती हूँ एक दो लाइनें उससे भी सुन लेती कि आज का इवेंट मुझे कैसा लगा। तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ता। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइए आज का इवेंट कैसा लगा आपको? जी RTC पहली बार हो रहा है, सो मेरे भी MUNs और RTC डिबेट कॉम्पिटिशन में पहली बार था और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सो इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग इवेंट। जबरदस्त, थैंक यू। हैप्पी पैलेस पे जो इवेंट हुआ है 3 दिन से, तो 3 दिन से इन्होंने कैटरिंग का खाना किया है, तो हम इनसे पूछते हैं इनको इवेंट कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इवेंट बहुत कामयाब बना दिया। इस पे मेरी टीम मेरे साथ थी, मैनेजमेंट स्कूल की मेरे साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया और इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। नाज़रीन, कैसा लगा आपको हैप्पी पैलेस का इवेंट का इंटरव्यू हमारा? तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेकंड मदर चैनल पे। तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।